नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस धरती पर ऐसी बहुत सी रहस्यमय चीजें हैं जिनके बारे में हमें जानने की और समझने की हमेशा से मन बना रहता है, और बहुत सी ऐसी रहस्यमय चीजों पर वैज्ञानिक शोध में भी लगे हुए हैं। उनमें से एक हमारा अमेजन जंगल भी है, जिसे वर्षा वन भी कहा जाता है। ये वर्षा वन हमारे धरती पर रह रहे सभी जीव जंतुओं और खासकर मनुष्यों के लिए एक संजीवनी की तरह काम करता है, क्योंकि इसी वर्षा वन से हमारे धरती का लगभग 20% ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। इसीलिए इस अनोखे वर्षा वन को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। दोस्तों, अमेजन जंगल एक कुदरती करिश्मा है और ये दुनिया के लिए एक बेहद खूबसूरत तोहफा भी है। ये वर्षा वन देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी माना जाता है। यह जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है, जो लगभग 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। यह वर्षा वन दक्षिणी अमेरिका से लेकर ब्राजील तक फैला हुआ है, जिसके अंदर कुल 9 देश हैं, जिसमें ब्राजील में इस जंगल का सबसे ज्यादा हिस्सा लगभग 60% हिस्सा आता है, और बाकी पेरू में 13% तक आता है, कोलंबिया में 10% तक, और बाकी का हिस्सा रीनाम और फ्रेंच गुआना से होकर गुजरता है। अमेजन के वर्षा वन में आपको अलग अलग तरह के लगभग 17,000 से भी ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां आपको देखने को मिल सकती हैं, जिसमें करीब 400 अरब से भी ज्यादा पेड़ों की संख्या मानी जाती है। अगर इस जंगल को एक देश घोषित कर दिया जाए तो यह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश होगा। इस अमेजन वर्षा वन में विश्व की सबसे लंबी नदी होकर गुजरती है, जिसका नाम अमेजन नदी है। ऐसा माना जाता है कि यह करीब 5.5 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया था। दोस्तों, अमेजन जंगल का नाम अमेजन एक ग्रीक शब्द से पड़ा है, जिसका मतलब फीमेल वॉरियर्स यानी महिला योद्धा माना जाता है। दोस्तों, अमेजन जंगल वर्षा वन को औषधियों का घर कहा जाता है। यह वर्षा वन अपने प्राकृतिक खूबियों से भरा पड़ा है और पूरे विश्व को लगभग 70% औषधियों की पूर्ति इसी वर्षा वन से होती है। दोस्तों, अगर दुनिया में रहस्यों की बात करें तो अमेजन का वर्षा वन पहले स्थान पर आता है। यह वर्षा वन इतना घना है कि सूर्य की केवल 1% किरणें ही धरती तक पहुंच पाती है। इसके अलावा यहां अंधेरा ही रहता है। दोस्तों, इस अमेजन जंगल में ब्राजील के तरफ लगभग 250 से अधिक आदिवासी कबीले इस वर्षा वन में रहते हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, और ये बहुत खतरनाक भी माने जाते हैं। इस वर्षा वन में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां इंसानों का जाना नामुमकिन है। अमेजन का वर्षा वन देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भूल जाए तो फिर उस व्यक्ति को जंगल से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है, और उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इस जंगल में घूमने आए बहुत से व्यक्तियों की यहाँ रहस्यमय तरीके से मौत भी हो चुकी है। दोस्तों, भले ही हम इंसानों ने आज इतना विकास कर लिया है कि हम दूसरे ग्रह पर घर बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन धरती पर ही ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। हालांकि वैज्ञानिकों ने बहुत से रहस्यमय चीजों को दुनिया के सामने पर्दाफाश करने में सफलता भी हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो दोस्तों, अमेजन रेन फॉरेस्ट के कुछ रहस्यों के बारे में आइए हम जानते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम इस जंगल के बॉयलिंग रिवर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अधिकांश नदियों का पानी शीतल होता है, जिसे हम पीकर अपनी प्यास को बुझा सकते हैं, लेकिन अमेजन रिवर के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस नदी में ठंडा शीतल जल नहीं बल्कि खौलता हुआ पानी बहता है। इस पानी का जो औसत तापमान होता है वो 86 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और कुछ कुछ जगहों पर तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। इसका अंदाजा कुछ इस तरह लगा सकते हैं कि इस पानी में आराम से आप चाय बना सकते हैं और कोई भी चीज उबाल सकते हैं। यही वजह है कि इस नदी को वाइलिंग नदी कहा जाता है। यह नदी अमेजन अमेरिका के बेसिन में स्थित है। इसकी खोज अंतरिक्ष रूजो ने की थी। खौलती नदी की लंबाई लगभग 6.4 किलोमीटर है। यह 82 फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी है।
अमेजन का पानी 365 दिन और 24 घंटे खौलता रहता है। इस नदी का पानी इतना गर्म है कि इसमें हाथ डालने पर वह झुलस सकता है। और यही नहीं, इसमें गिरने से किसी की भी मौत हो सकती है। अमेजन नदी में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के लिए यह नदी मौत की कुआं से कम नहीं है। अगर कोई जानवर खौलती नदी में गिर जाता है तो उसका शरीर पूरी तरह से झुलस जाता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और आश्चर्य की बात यह है कि सर्दी में भी इस नदी का पानी बराबर खौलता रहता है। वैज्ञानिकों ने इस नदी के पानी की खौलने का राज बहुत जानने की कोशिश की है, पर कुछ हाथ नहीं लगा। इसके अलावा अभी तक अमेजन नदी के उद्गम स्थल की सही जानकारी भी अभी तक किसी को पता नहीं है। इस लिहाज से अमेजन नदी को एक रहस्यमयी नदी माना जाता है। इसमें अगले हिस्से में आप अमेजन जंगल के मूविंग ट्री को रहस्यमय ले सकते हैं। अमेजन जंगल में पेड़ पौधों की एक से बढ़कर एक प्रजाति पाई जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन करीब 17,000 पेड़ों की प्रजातियां और 390 बिलियन पेड़ों का गढ़ है। अमेजन जंगल लग्स ऑफ द प्लेनेट भी कहा जाता है। 20% से ज्यादा पुष्कर आता है क्योंकि यह दुनिया का ऑक्सीजन की 20% से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इतने विशाल और घने पेड़ हैं कि जब भी यहाँ बारिश पड़ती है तो उस पानी को जमीन तक पहुँचने में करीब 10 मिनट का समय लग जाता है। इसके अलावा यहाँ के पेड़ एक दूसरे के कंधों पर इस कदर लदे हुए हैं कि यहाँ की जमीन को सूरज की रोशनी तक नसीब नहीं होती। यही रीजन है कि इस भयानक और रहस्यमय जंगल में दिन के समय भी घोर अंधेरा छाया रहता है। यहाँ देखे जाने वाले पेड़ों की सबसे विचित्र और अविश्वसनीय बात यह है कि यहाँ के पेड़ इंसानों की तरह चलते फिरते हैं। दरअसल यहाँ के पान ट्री अपनी जगह से चलते फिरते रहते हैं। जिस तरह सूरज की रोशनी जाती है उसी डायरेक्शन में यह पेड़ आगे बढ़ते रहते हैं। इसी के साथ ही इस पेड़ की जड़ें आगे की ओर बढ़ने लगती हैं। बेशक स्पीड काफी धीमी रहती है, इस बात में कोई शक नहीं है कि यह अपना स्थान बदलकर होते रहते हैं। स्ट्रेंज बर्ड, यह बर्ड इस प्रकार के होते हैं क्यों इनको देखना काफी मुश्किल होता है। यह अपना शरीर का आकार पेड़ की तरह ही ढाल लेते हैं। इस स्ट्रेंज पक्षी को रात में देखना काफी मुश्किल है क्योंकि अपने आप को इतनी चलाकी से छिपा लेता है कि सामने वाले को होते हुए भी आप इसे नहीं देख सकते। अमेजन में पाए जाने वाला यह अनोखा पक्षी अनोखी पेड़ पर घंटों तक एक ही मुद्रा में बैठा रहता है। अपनी आंखों को बहुत ही कम खोलता है ताकि इन्हें कोई पहचान ना सके। वैज्ञानिक अभी भी अमेजन जंगल में रहने वाले दूसरे अन्य पक्षियों के बारे में खोज में लगे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पक्षी शिकारियों से बचने के लिए इस तरह करता है। पॉइजन फ्रॉग, अमेजन जंगल जितना खौफनाक है उतना खतरनाक भी है। यहाँ पाए जाने वाले मेंढक, क्योंकि इस जंगल में सर्वाइव करना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए इन मेंढकों ने खुद को इतना विकसित कर लिया है कि अगर इन्हें कोई मारने की कोशिश करता है तो वह खुद में खुद खत्म हो जाता है। दरअसल पॉइजन डार्ट फ्रॉग से फेमस यह मेंढक इतने जहरीले हैं कि इसे कोई छू ले भी तो उसकी जान जा सकती है। इन मेंढकों की त्वचा में बहुत ही खतरनाक जहर होता है, शिकारी जानवर इनसे दूरी बनाए रहते हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि इनके शरीर का कलरफुल पैटर्न इनको जहरीले होने को दर्शाता है। इसका मतलब जो मेंढक जितना चटकीले रंग का होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। वैसे तो बात करें तो इस जंगल में रहना मुश्किल या नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद कई आदिवासी और जनजाति लोग इस यहाँ निवास करते हैं। उसमें से कुछ जंगल के किनारे पर बसे हैं और शहरी लोगों से आराम से बातचीत भी कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर एक खास जनजाति के लोग बाहरी दुनिया से ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते हैं। 21वीं सदी के वही लोग आदि मानव वाला जीवन जी रहे हैं। यह जानवरों को मारकर खाना पसंद करते हैं और पेड़ पौधों को ही अपने कपड़ों को तैयार करते हैं, और कोई इनसे मिलने की कोशिश करे तो यह उन्हें मार भी देते हैं क्योंकि इन्हें अपने जंगल की दुनिया से बाहरी लोगों की दखल अंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर अमेजन के कीड़े मकोड़े की कुछ कम खतरनाक नहीं है। एक बार के लिए यहाँ के जंगली जानवरों से आप अपनी जान बचा सकते हैं, मगर यहाँ पर पाए जाने वाले जहरीले कीड़ों से बचना बहुत ही मुश्किल माना जाता है क्योंकि यहाँ साधारण टाइप के कीड़े मकोड़े नहीं है। यहाँ की चींटियाँ कोई नॉर्मल चींटी नहीं बल्कि चलती फिरती प्लेट है। अगर यह किसी को डंक मार देती है तो वह किसी गैर से कम नहीं होता। जब यह चींटियाँ काटती हैं तब ऐसा महसूस होता है कि मानो जैसे किसी ने गोली मार दी हो। यही कारण है कि इन चींटियों को बुलेट एंट कहा जाता है। और इसी के साथ यहाँ खतरनाक मकड़ियों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आपको बता दें कि अमेजन के जंगल में 3,000 से अधिक मकड़ियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से अधिकतम मकड़ियाँ जहरीली होती हैं। उन्हीं में से एक का नाम टेराम टूल्स के बारे में आपको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह इतनी खतरनाक मकड़ी मानी जाती है कि अगर यह किसी को काट ले तो उसे ठीक होने में कई दिन लग जाते हैं।
क्योंकि यह मकड़ी बहुत जहरीली होती है, काफी मात्रा में जहर छोड़ती है। अपने शरीर के बालों को इतनी जानलेवा तरीकों से कि इसका इस्तेमाल करती है कि इसका बार बार किसी धीर धार से कम नहीं होता। अगर यह भूल से भी आंखों में लग जाए तो आंखें बुरी तरह जख्मी हो जाती हैं। ज्वाइंट स्नेक। सांप अपने आप में काफी खतरनाक होते हैं और अमेजन जंगल में सांपों की बात करें तो यहाँ एक से बढ़कर एक खतरनाक और जहरीले सांप पाए जाते हैं। अमेजन में सांपों को तकरीबन 70 प्रजातियां रहती हैं। यही एनकोंडा जैसे विशालकाय सांप घूमता रह फिरता है। तो यह सांप 30 फुट जितना लंबा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि यहाँ एनकोंडा से भी बड़ा सांप रहता है। इन लोगों का कहना है कि वह सांप करीब 160 फीट लंबा तक हो सकता है और उसका मुंह 6 फुट लंबा तक हो सकता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इस बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मिस्टीरियस जियोलिफास। दोस्तों, एक बार जब वैज्ञानिकों ने ड्रोन के माध्यम से इस जंगल में कुछ जानने की कोशिश की तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उनका सिर चकरा गया। दरअसल यहाँ कुछ अटपटी आकृतियाँ देखने को मिली जो करीब 2000 साल पुरानी बताई जा रही हैं। अधिकांश आकृतियाँ सर्कल और स्क्वायर शेप में थी। यहाँ एक दो नहीं बल्कि अनेकों आकृतियां देखने को मिली। जियोग्राफी सास नाम दिया गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ इंसानों की काफी कम आवाजाही है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इन मानव निर्मित संरचनाओं को कब और किसने और क्यों बनाया होगा। ये अमेजन जंगल में कुछ ऐसी रात में और अनोखी बातें थी जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आज भी वैज्ञानिक पूरे अमेजन रैन फॉरेस्ट के बारे में जानकारी नहीं जुटा सके, इसीलिए यह जंगल हमेशा कौतूहल का विषय बना रहा है। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।